यही बाबा मुख्यमंत्री, इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवाज बुलाया था। हमने भी तय कर लिया है कि जिस तरीके से इन्होंने टोंटी के नाम पर हमें बदनाम किया था, सरकार समाजवादियों की बनेगी, हम भी उसमें से टोंटी की तरह चिलम को ढूंढने का काम करेंगे। और तब तक चिलम ढूंढी जाएगी जब तक चिलम न मिल जाए, क्योंकि ये आपने हमें सिखाया है, हम कहीं और से नहीं सीखे। हम अपने काम को लेकर के आपसे मतदान मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे, हम अपना लैपटॉप बता रहे थे, हम अपने जनेशियम इस गांव बता रहे थे, हम लोहिया गांव बता रहे थे, हम अपनी एम्बुलेंस बता रहे थे, हम अपनी 100 नंबर पुलिस की बता रहे हैं। ये पुलिस के लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए, 100 नंबर से बेहतर कोई व्यवस्था दुनिया में लागू अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हमने लागू की। और 5 साल के अंदर जितनी पुलिस को गाड़ियां मिली हैं, कभी किसी सरकार ने गाड़ी नहीं दी, वो इंतजाम अगर किसी ने किया समाजवादी लोगों ने किया। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री, ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी। इनको देखते नहीं है आंकड़े, ये देखते नहीं है आंकड़े, इनकी आंखों में चश्मा लग गया है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अगर ये आंकड़े देखें तो आज सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। बहु बेटियों के साथ अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इन्होंने ठोको नीति लागू की थी, याद कीजिए आप, ठोको नीति, यही मुख्यमंत्री जी की भाषा है कि ठोक दो जिसको चाहो उसको। तो पुलिस ने जनता को ठोका, जनता ने पुलिस को ठोक दिया। इतना कभी ठोका ठोकी नहीं हुई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। बताओ पुलिस के साथियों, आपके बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे अधिकारी ठोका ठाकी में हुए अपमानित के नहीं हुए, बताइए आप। न जाने कितनी पुलिस पिट गई, अन्याय भी किया इन्होंने। और इनकाउंटर, जो बात आप इनकाउंटर कह रहे हो कि हमने सरकार में इनकाउंटर बहुत कर दिए हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, देवी भी देख रही हैं, समय आएगा तो जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं उनको ऊपर वाला, देवी और कानून सजा देगा, आप बच नहीं पाओगे यहां से। और आपकी ठोको नीति याद कीजिए, लखनऊ में एक एप्पल में बड़ा नौकरी करने वाला था, वो अपने किसी कर्मचारी के साथ लखनऊ में खड़ा था, पुलिस आई और सीधी गोली मार दी उसको, आज जेल में है पुलिस वाला। ये किसने सिखाया, ये नफरत की राजनीति, ये धोखे की राजनीति, साजिश की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति किसी ने सिखाई? भारतीय जनता पार्टी ने सिखाई। इसलिए साथियों, हमें आपको मौका मिला इस बार, ये मौका है इस बार ऐसा कि हम लोग मिलकर के सबक सिखा देंगे। सपा, बसपा और आरएलडी तीनों मिल गए हैं, बताओ ये ताकत, इससे ज्यादा कहां ताकत है आपके पास? ये गिनती, ये साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, सावधान रहना आप इनसे। ये कभी कभी हमें कहते हैं हम इतना राजनीति में नीचे नहीं गिर सकते जितना बाबा जी गिर सकते हैं। ये कहते हैं जो पिताजी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। हम भी कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन राजनीति में हम संस्कार रखते हैं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम पे अगर गंदगी है तो हम गंदगी नहीं उठाएंगे, तुम गंदी बात करोगे तो हम गंदी बात नहीं कर सकते। हम भी तुम्हें जवाब दे सकते हैं लेकिन हम जवाब उस तरह का नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं अपने लोगों से, समाजवादी साथियों से, जो नेताजी ने समाजवादी आंदोलन यहां तक लेकर के आए हैं, जो विरासत समाजवादियों की यहां तक आई है वो आगे तक ले जाने की विरासत और लड़ाई को हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये विरासत जो लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, नेताजी की, उसको हम आगे बढ़ाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।